कविता देवी, जो कि WWE में भारत की तरफ से पहली इंडियन वुमेन रेसलर थी जिन्होंने WWE के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पर अब खबर आई है कि उन्हें WWE से रिलीज कर दिया गया है। ये खबर मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग थी, जिस तरीके से आप सबके लिए है। दरअसल दोस्तों, ये न्यूज़ मुझे आज से करीब 15 दिन पहले पता चल गई थी, क्योंकि जब मैंने संजना जियोर्ज की बायोग्राफी पे वीडियो बनाया था, तो जिस वेबसाइट पर से मैंने वीडियो के लिए जानकारी इकट्ठा की थी, वहाँ उस समय भी ये साफ लिखा हुआ था कि संजना जियोर्ज ही अभी के टाइम पे एकमात्र रेसलर हैं जो कि WWE के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जबकि कविता देवी और सरीना संधू WWE के साथ में साइंड नहीं हैं। यानी कि कविता देवी का कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ में बहुत टाइम पहले ही खत्म हो चुका था। पर मैंने ये सोचकर आपको न्यूज़ नहीं दी, क्योंकि ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं थी और मुझे यहाँ लगा कि वेबसाइट वाले से भी गलती हो सकती है। लेकिन अब ऑफिशियल न्यूज़ आई है कि कविता देवी को WWE से रिलीज़ कर दिया गया है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट कुछ समय पहले ही WWE के साथ में खत्म हो गया था। अब WWE ने कविता देवी को रिलीज़ किया, इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई सारे कारण हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कारण तो ये है कि कविता देवी कभी WWE के साथ में इतना रेगुलर काम नहीं कर पाई। साल 2019 में उन्हें घुटने में इंजरी हुई थी और इसी वजह से वो लगभग एक साल तक रेसलिंग नहीं कर सकी थी, यानी कि एक साल तक वो उस समय बाहर हो गई थी WWE से। और इस साल भी मैंने आपको बताया था कि कैसे कविता देवी को सुपरस्टार स्पेक्टेकल वाले शो में मौका मिलने वाला था, लेकिन उनके पति बीमार हो गए थे और इसी वजह से वो इंडिया आ गई थी और शो का हिस्सा नहीं बन पाई थी। और दोस्तों, एक कारण ये भी है कि जब से कविता देवी ने WWE के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तब से इन्होंने बस 27 ही मैचेस लड़े हैं इतने सालों में, जो कि जीत रामा, रिंकू सिंह, सौरभ गुर्जर के कंपैरिजन में काफ़ी कम हैं। दोस्तों, WWE ऐसे किसी रेसलर को नहीं रख सकती जो कि रेगुलर ना हो और कंपनी के काम में ना आ सके। इसी वजह से पहले भी इस कंपनी ने चेल्सी ग्रीन, समोआ जो और ऑथर्स ऑफ पेन को भी रिलीज किया था, क्योंकि COVID-19 पेंडेमिक की वजह से वैसे ही अभी WWE जो है वो बजट कट्स कर रही है और इसी वजह से काफ़ी सारे रेसलर्स को रिलीज किया जा रहा है जो कि कंपनी के काम नहीं आ रहे हैं या फिर रेगुलर नहीं रहते हैं। कविता देवी के साथ ही साथ NXT के कई सारे रेसलर्स जैसे कि एलेक्सेंडर वुल्फी, EJ, स्काइलर स्टोरी एक्सेट्रा को भी रिलीज किया गया है, जिनमें दोस्तों एलेक्जेंडर वुल्फी जो है वो NXT में चैंपियन भी रह चुके हैं और एक काफ़ी अच्छे रेसलर हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से इन्हें भी यूज़ नहीं किया जा रहा था। दोस्तों, कविता देवी नो डाउट एक बहुत अच्छी रेसलर हैं, लेकिन यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका दोष हम ना ही कविता देवी को दे सकते हैं और ना ही WWE को, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स WWE के साथ में हैं और कुछ प्रॉब्लम्स कविता देवी के साथ में। तो दोस्तों, यहाँ से हम बस यही उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर कविता देवी को एक बार फिर से WWE में मौका मिले और उन्हें फिर से साइन किया जाए। तो दोस्तों, आपको ये न्यूज़ कितनी शॉकिंग लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।